स्वागत है आपका डेली नौकरी के यूट्यूब चैनल में। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए बैंकिंग की फील्ड में सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका लेकर आ चुकी हूँ। दोस्तों, बैंक ऑफ इंडिया में आ चुकी स्टैटिस्टिशियन, मैनेजर, ऑफिसर, एनालिस्ट और भी काफी ज्यादा अलग अलग प्रोफाइल के लिए वैकेंसीज। और सबसे बढ़िया बात, मेल और फीमेल कैंडिडेट्स पूरे भारत में से कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। पहले कि हम आगे बढ़े, सभी सरकारी नौकरियों की अपडेट्स, सरकारी रिजल्ट्स, एडमिट कार्ड की जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट dailynaukri.com को भी जरूर चेक करें। तो चलिए अब डिटेल में बात करते हैं। देखिए, बैंक ऑफ इंडिया लेकर आ चुका है 214 वैकेंसीज। मैं सबसे पहले आपको इधर स्केल बताती हूँ कि किस किस स्केल के लिए वैकेंसीज आ रही हैं। जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1, मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 2, मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 3 एंड सीनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 4 पे जो है वो वैकेंसीज आ रही हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब कि किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज हैं। इकोनॉमिक्स ये जो ग्रेड आगे दे रखा है मैंने स्केल, उसके लिए 2 वैकेंसीज। उसी तरह इकोनॉमिक्स MMGS 2 स्केल के लिए जो है वो 2 वैकेंसीज। स्टैटिस्टिशियन के लिए 2 वैकेंसीज। रिस्क मैनेजर 3, यहाँ पे आप देख सकते हैं SMGS 4 ग्रेड है। उसी तरह रिस्क मैनेजर MMGS 3 के लिए जो है वो 6 वैकेंसीज आ चुकी हैं। बाकी की पोस्टें देखते हैं। क्रेडिट एनालिस्ट के लिए जो है वो 60 वैकेंसीज, क्रेडिट ऑफिसर्स के लिए 79। आप इधर देख सकते हैं जैसे IT फिनटेक के लिए जो है वो SMGS 4 स्केल पे, MMGS 3 पे और ये 2 पे भी वैकेंसीज आ रही हैं। और इधर नंबर दे दिया है जैसे 7, 10 और 13 वैकेंसीज। आगे देखते हैं जैसे IT डेटा साइंटिस्ट SMGC 4 पे जो है वो 3 वैकेंसीज आ रही हैं। उसी तरह आप इधर वीडियो 2 मिनट पॉज करिए और डिटेल में चेक कर लीजिए जो ग्रेड वगैरह IT की वैकेंसीज हैं। उसी तरह टेक अप्रेजल MMGS 2 स्केल के लिए जो है वो 10 वैकेंसीज आ चुकी हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। यहाँ मैं आपको सबसे पहले एज लिमिट बताती हूँ। देखिए, यहाँ मैंने आपको पोस्ट वाइज जो है वो और साथ में स्केल्स भी दे रखे हैं, तो आप देख सकते हैं क्या रिक्वायर्ड एज लिमिट है। क्रेडिट ऑफिसर की पोस्ट के लिए 20-30 ईयर्स। उसी तरह IT फिनटेक MMGS 2, IT डेटा एनालिस्ट MMGS 2 एंड IT इन्फो सिक्योरिटी MMGS 2 के लिए 20-32 ईयर्स। उसी तरह आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिशियन, IT फिनटेक ग्रेड्स के अकॉर्डिंग इनके लिए जो है वो 20-35 ईयर्स। और ये जो पोस्ट है जैसे इकोनॉमिक्स SMGS 4 के लिए, रिस्क मैनेजर और इधर भी कुछ लिख रखे हैं पोस्टें, उनके लिए 20-38 ईयर्स जो है वो रिक्वायर्ड एज लिमिट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं इसकी क्वालिफिकेशन की। देखिए, क्वालिफिकेशन बताने के लिए मैं आपको सीधे dailynaukri.com वेबसाइट के ऊपर लेकर आ चुकी हूँ, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी डिटेल में मैंने ऐड कर दिया है। तो जो लोग इकोनॉमिक्स SMGS 4 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उन्होंने PhD डिग्री इन इकोनॉमिक्स, इकोमेट्रिक्स और कैंडिडेट्स विद स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स, बिहेवियरल इकोनॉमिक्स विल बी प्रेफर्ड एंड कैंडिडेट्स फ्रॉम प्रीमियर इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटीज एट दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और ये जो कुछ दे रखे हैं स्कूल्स विल बी प्रेफर्ड। और उसके साथ साथ 5 ईयर्स एक्सपीरियंस एज एन ऑफिसर इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक, रेटिंग एजेंसीज, एनालिटिक्स फर्म्स, रिप्यूटेड ब्रोकरेज एजेंसीज, आप इधर देख सकते हैं। और पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन इकोनॉमिक्स, इकोमेट्रिक्स, कैंडिडेट विद स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स, कैंडिडेट्स फ्रॉम प्रीमियर इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटीज, यहाँ जो मैंने ये दे रखे हैं जैसे दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, यहाँ के जो कैंडिडेट्स हैं इनको प्रेफरेंस दी जाएगी। और इसके साथ साथ 7 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एज एन ऑफिसर इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब बात करते हैं जो इकोनॉमिक्स MMGS 2 स्केल की पोस्ट है, उसके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन इकोनॉमिक्स, इकोमेट्रिक्स, कैंडिडेट्स विद स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स विल बी प्रेफर्ड। और जो प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस और यूनिवर्सिटीज़ के कैंडिडेट्स हैं उनको भी प्रेफरेंस दी जाएगी। एंड 4 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एज एन ऑफिसर। आगे बढ़ते हैं और स्टैटिस्टिशियन MMGS स्केल 2 की बात करते हैं। फुल टाइम मास्टर्स पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन स्टैटिस्टिक्स, अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स और 4 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एज एन ऑफिसर। देखते हैं रिस्क मैनेजर SMGS 4 के लिए जो वैकेंसीज हैं, सर्टिफिकेशन इन फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट और प्रोफेशनल रिस्क मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन, 5 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एज एन ऑफिसर और CAICW और मास्टर्स इन फाइनेंस, 8 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एज एन ऑफिसर। और जो पोस्ट आ रही है रिस्क मैनेजर MMGS 3 के लिए, सर्टिफिकेशन इन फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट और प्रोफेशनल रिस्क मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन और CAICW, 3 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एज एन ऑफिसर। अब बात करते हैं जो क्रेडिट एनालिस्ट SMGS स्केल 4 की वैकेंसीज हैं, 2 ईयर्स फुल टाइम MBA इन फाइनेंस, PGDM इन फाइनेंस, CAICW, 10 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एज एन ऑफिसर इन NBC फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैविंग बिजनेस, ये इधर देख सकते हैं आप आगे डिटेल में। उसी तरह जो क्रेडिट ऑफिसर JMGS 1 स्केल की वैकेंसी है, उसके लिए ज़रूरी है कि आपने ग्रेजुएशन की हो किसी भी डिसिप्लिन में विथ मिनिमम 60% मार्क्स अलॉन्ग विथ MBA, PGDBM, PGDM, PGBM एंड PGDBA फ्रॉम अ रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट।
या फिर इधर और कॉम्बिनेशन भी दे रखे हैं, जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन कॉमर्स साइंस इकोनॉमिक्स और CAICWS CS सर्टिफिकेशन इन कंप्यूटर कोर्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और रिलेटेड पेपर इज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स एट ग्रेजुएशन लेवल और आफ्टरवर्ड्स इज अ मस्ट। बात करते हैं IIT फिनटेक SMGS 4 स्केल की। BE BTech इन कंप्यूटर साइंस और इधर कुछ स्ट्रीम्स और दे रखे हैं। मिनिमम 8 ईयर्स ऑफ ओवरऑल एक्सपीरियंस। IIT फिनटेक MMGS स्केल 3 की BE BTech इन कंप्यूटर साइंस IIT आप इधर डिटेल में चेक कर सकते हैं और उसके साथ साथ मिनिमम 5 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। बात करते हैं IIT फिनटेक MMGS स्केल 2 की BE BTech इन कंप्यूटर साइंस IIT इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल और यहाँ आप डिटेल में चेक करिए और मिनिमम 3 ईयर्स ऑफ ओवरऑल एक्सपीरियंस। IIT डेटा साइंटिस्ट SMGC स्केल 4 के लिए PhD और मास्टर्स डिग्री इन स्टैटिस्टिक्स कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग मिनिमम 8 ईयर्स ऑफ ओवरऑल एक्सपीरियंस। IIT डेटा एनालिस्ट MMGS स्केल 3 के लिए BE BTech इन कंप्यूटर साइंस IIT और इधर कुछ स्ट्रीम दे रखी है मिनिमम 5 ईयर्स ऑफ ओवरऑल एक्सपीरियंस। IIT डेटा एनालिस्ट MMGS स्केल 2 BE BTech इन कंप्यूटर साइंस IIT यहाँ पे सारी डिटेल में स्ट्रीम्स दे दिए हैं एंड मिनिमम 3 ईयर्स ऑफ ओवरऑल एक्सपीरियंस। IIT इन्फो सिक्योरिटी SMGS स्केल 4 के लिए ये ज़रूरी है कि कैंडिडेट्स ने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन इन IIT कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर एप्लीकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स में और उसके साथ साथ कंपल्सरी CISSP और CISM और CISA सर्टिफिकेशन। बात करते हैं IIT इन्फो सिक्योरिटी MMGS स्केल 3 के लिए ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन आप इधर देख सकते हैं कुछ सर्टिफिकेट्स भी रिक्वायर्ड है। IIT इन्फो सिक्योरिटी MMGS स्केल 2 के लिए ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन इसी तरह 1 सर्टिफिकेट आउट ऑफ ये जो इधर 3 दे रखे हैं इनमें से एक सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। बात करते हैं टेक अप्रेजल MMGS स्केल 2 के लिए बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग इन वन ऑफ द स्ट्रीम्स मेंशन जो यहाँ पे स्ट्रीम्स दे रखी हैं उनमें से किसी एक स्ट्रीम में जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग पावर प्लांट इंजीनियरिंग और जो इधर दे रखे हैं इनमें से आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग की और बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग विद मास्टर्स PG डिप्लोमा इन वन ऑफ द स्ट्रीम्स मेंशन बिलो। तो दोस्तों ये तो हुई अब इसकी क्वालिफिकेशन की बात। आगे बढ़ते हैं और नज़र डालते हैं पे स्केल की। यहाँ मैं आपको डिटेल में पे स्केल बताती हूँ और पूरा डिटेल में बताऊँगी कि ये जो बैंक ऑफ इंडिया में वैकेंसीज आ रही हैं इन पे भर्ती कैसे होगी, मतलब क्या सिलेक्शन का जो मोड है वो रहने वाला है। बट अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। आप जैसे ही सब्सक्राइब कर लेंगे आपको तुरंत सभी सरकारी नौकरियों की अपडेट्स मिल जाएगी। तो अगर पे स्केल की बात करें तो आप इधर देख सकते हैं जैसे JMGS स्केल 1 के लिए जो सैलरी होगी वो 23,700 से 4220 तक रहने वाली है। उसी तरह आप जिस भी स्केल के लिए अप्लाई करने की सोच रहे हैं आप 2 मिनट वीडियो पॉज करिए और डिटेल में चेक कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं नज़र डालते हैं इसकी भर्ती की प्रक्रिया के ऊपर। देखिए जो सिलेक्शन होगी थ्रू ऑनलाइन टेस्ट एंड और GT एंड और पर्सनल इंटरव्यू डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स एलिजिबल कैंडिडेट्स। आगे बढ़ते हो नजर डालते फीस के ऊपर। देखिए यहाँ आपको जो फीस है वो कैटेगरी वाइज पे करनी है। SC ST PWD को 175 और जर्नल और अदर्स कैंडिडेट्स को 850 रुपीज। और अगर इंपॉर्टेंट डेट्स की बात की जाए तो जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की सबमिशन की डेट्स हैं वो 16 सितंबर 2020 से 30 सितंबर 2020 है। डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो है वो अभी इसकी नोटिफिकेशन में नहीं बताई गई है। और आपको कैसे अप्लाई करना है, आपको सिर्फ ऑनलाइन मोड से अपने एप्लीकेशन सबमिट करनी है। तो दोस्तों ये तो ये बैंक ऑफ इंडिया से आ रही काफी अलग अलग प्रोफाइल में वैकेंसीज की पूरी इन्फॉर्मेशन। अगर आप और जानकारी चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लेटेस्ट GOVT जॉब्स का फर्स्ट लिंक दे रखा है, आप उस पर क्लिक कीजिए, उधर जाकर आप डिटेल में इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं और साथ ही ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो जैसे इसका लिंक एक्टिव होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि हम आपके लिए टॉप गवर्नमेंट जॉब की अपडेट्स और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर आते हैं।